नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। धर्मेंद्र के पोते करण देओल ने 18 जून को मुंबई में अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड दृशा आचार्य के साथ शादी की। उसी दिन शाम को उनका पूरा परिवार वेडिंग रिसेप्शन में भी नजर आया। करीबी दोस्त भी वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए थे। हालांकि शादी और रिसेप्शन के दोनों ही फंक्शन में हेमा मालिनी का परिवार गायब था। सोशल मीडिया पर कई लोग अब इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहली बार हेमा मालिनी के परिवार ने अब इस शादी पर चुप्पी तोड़ी है। दरअसल हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर करण देओल और दृशा को शादी की बधाई दी और पोस्ट करके लिखा, करण और दृशा आपको बधाई हो, आप हमेशा साथ रहें और खुश रहें, बहुत सारा प्यार। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने साल 1954 में प्रकाश कौर के साथ शादी की थी। उस समय वे फिल्म इंडस्ट्री के हिस्से नहीं थे। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल। ये चारों बच्चों के बाद जब एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ उन्हें प्यार हुआ, जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम ही रख रहे थे, तभी 1980 में उन्होंने शादी कर ली। हेमा से 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। धर्मेंद्र का पहला और दूसरा परिवार एक दूसरे से दूरी बनाए रखना ही पसंद करता है। दोनों परिवार एक दूसरे के फंक्शंस में हिस्सा नहीं लेते। ईशा और अहाना की शादी में भी धर्मेंद्र के पहले परिवार से कोई भी नहीं पहुंचा था। हेमा मालिनी ने 2019 में डेक्कन क्रॉनिकल को दिए इंटरव्यू में कहा कि जब मैंने पहली बार धर्मजी को देखा, मैं समझ गई थी कि ये मेरे हैं। मैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं ये चाहती थी कि इस शादी से किसी को दुख ना पहुँचे। उनकी पहली पत्नी और बच्चों की ज़िंदगी में मैंने कभी दखलंदाजी नहीं की है। मैंने उनकी शादी की, लेकिन मैंने उनसे उनका पहला परिवार नहीं छीना।